एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंस्टाग्राम पर टैगिंग से एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। यूपी उत्तराखंड में लोगों की मौत से नीतीश बोले पूरे देश में लागू हो शराबबंदी। बजट सत्र के तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा। बीजेपी विधायक के इस सवाल पर मचा बवाल। अब देखते हैं खबर विस्तार से। पुनः एक महिला को भाई ने इंस्टाग्राम पर किए हुए टैग निकालने को कहा। चार लोगों ने एक व्यक्ति को दुकान में घुसकर मारपीट करने की घटना सामने आई। इस प्रकरण में चिखली पुलिस ने चार लोगों पर गुनाह दर्ज किया है। नायर, हेमंत सोनार, सुनील सोनार, ललित सोनार रहने वाले रामनगर चिंचवड़ इनके नाम हैं। इस प्रकरण में मनीष महेंद्र भट्ट उम्र 25 रहने वाले साने चैम्बर्स मोरे बस्ती चिखली इन्होंने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि मनीष इनका भाई महेश महेंद्र भट्ट उम्र 19 वर्ष इसके स्कूल में पढ़ने वाली युवती ने इंस्टाग्राम इस सोशल मीडिया पर महेश को टैग किए थे, इसलिए महेश ने उसे फोन करके टैग निकालने को कहा था। मनीष भट्ट यह रविवार रात 11 बजे मार्केट यहां दुकान में काम करते समय नायर और तीन लोग आए और उन्होंने महेश की तलाश की। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने मनीष को लातों से और बुक्कों से मार मार कर जख्मी कर दिया। पटना, उत्तराखंड में कच्ची शराब पीने से हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत। इस मौत से दुखी सीएम नीतीश ने हर राज्य में शराबबंदी की बात कही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि शराबबंदी कानून पूरे देश में लागू हो। सीएम नीतीश सोमवार को बिहार विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का काफी सकारात्मक असर पड़ा है, इसलिए देर से ही सही लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत के बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया कि पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए और सीएम ने इसकी अपील भी की। रायपुर, बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया। इस मामले में हंगामे को लेकर सभापति की ओर से हस्तक्षेप के बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज किया। दरअसल ध्यानाकर्षण काल के दौरान पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने गृह मंत्री से सवाल पूछा कि पूरे प्रदेश में कानून की स्थिति क्या है, कितने मर्डर और लूट की घटनाएं हुई है। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सभी क्राइम की घटनाओं को कंट्रोल करने का काम हो रहा है, शासन के प्रति आम जनता का विश्वास बना हुआ है, लोगों में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।